इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनावी तैयारी शुरू हो चुका है। बताते चले कि हेमंत बिश्वा शर्मा समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं का रांची आगमन हो रहा है। इसके साथ ही हेमंत बिश्वा शर्मा ने भाजपा नेता को चुनाव जीतने का मूल मंत्र दिया है। बताते चले कि बीजेपी के झारखंड सह प्रभारी है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा लगातार झारखंड आ रहे हैं। झारखंड में हेमंत बिश्वा शर्मा ने घुसपैठियों के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की घोषणा कर दी है और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। हेमंत सरकार पर हेमंत बिश्वा शर्मा ने जमकर हमला बोला है। तो बताते चले कि उन्होंने कहा है कि 23 अगस्त को राज्य का एजेंडा अब राज्य का युवा तय करेगा। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बताते जुड़ रहे हैं रांची से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूरी जानकारी देंगे। शुभम, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर के झारखंड में बीजेपी प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा का आगमन हुआ है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल कीर्ति, देखिए झारखंड में विधानसभा के चुनाव अब नजदीक है। इसी क्रम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है, चाहे वो सह प्रभारी हेमंत बिश्वा शर्मा की बात कर ले, चाहे वो बीजेपी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, लगातार जब से इन लोगों को कमान सौंपी गई है वो लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। और झारखंड का दौरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है और बीजेपी की सरकार झारखंड में नहीं है। इसी वजह से कह सकते हैं बीजेपी में जो रेस लगी है वो सबसे आगे में बिश्वा शर्मा लगातार नेतृत्व कर रहे हैं अपने पार्टी का, क्योंकि सह प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री भी हैं और राजनीतिक में बेहतर समझ रखते हैं, क्योंकि असम के तर्ज पर एक अच्छी सरकार वो बीजेपी की यहाँ पर झारखंड में बनते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में देखने चाहते हैं। शायद इसी वजह से लगातार बीजेपी को उन तमाम मूल मंत्रों से अवगत कराया जा रहा है कि जिससे चुनाव में फायदा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण अगर कीर्ति बात करें तो जिस तरीका से सह प्रभारी का जो लगातार आगमन राजधानी रांची में हो रहा है, चाहे झारखंड के 2400 जिलों का वो दौरा कर रहे हैं, इसे ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी इस बार उन तमाम विफलताओं को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार की जो भी विफलताएं हैं उसे राज्य की जनता के सामने कैसे उजागर किया जाए। कई मुद्दे हैं, जैसे अगर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की बात कर ले, उन्होंने साफ कहा है कि डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठी जो बड़ा मामला बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है इसे। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो जिस तरीके से हेमंत सरकार ने जब सरकार का गठन हुआ था हेमंत सोरेन की सरकार का, उन्होंने वादे किए थे कि 5 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा, लेकिन वो अभी तक धरातल पर नहीं आया। तो बीजेपी ऐसे उन तमाम मुद्दों को खंगाल रही है कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा घोषणा तो हुआ है लेकिन उसका जो जमीनी हकीकत है वो जमीनों से काफी कोसों दूर है, धरातल पर नहीं उतरा है। शायद इसी वजह से लगातार बीजेपी को वो मूल मंत्र दिया जा रहा है कि कैसे चुनाव में एक बेहतर पकड़ और एक मजबूत पकड़ कैसे बनाकर हेमंत सोरेन की सरकार को कैसे पराजय किया जाए, कैसे बीजेपी का एक बार फिर से झारखंड में झंडा लहराता हुआ नजर आए, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार वो युवाओं को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि अब युवाएं जवाब मांगेंगी, 23 अगस्त को एक महारैली का आयोजन किया गया है जिसमें बीजेपी के जितने भी समर्थक है, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस रैली में जुड़ेंगे और हेमंत बिश्वा शर्मा इसका नेतृत्व करेंगे। और नेतृत्व करने के बाद कहीं ना कहीं इस बात से कोई दोहराई नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के कई दिग्गज नेता और झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी, वो भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं और लगातार एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। और कह सकते हैं बीते एक महीनों की अगर बात करें कीर्ति, तो लगातार हेमंत बिश्वा शर्मा का जो दौरा है ये 5वां दौरा माना जा रहा है और कई मायनों में ये दौरा खास है, क्योंकि कल देर रात तक, कल 10:30 रात तक हेमंत शर्मा लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करते रहे जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की उपस्थिति रही। लेकिन अब बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या इसका व्यापक असर आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा या नहीं, क्या बीजेपी को दिया गया हेमंत बिश्वा शर्मा की तरफ से जो मूल मंत्र है वो कारगर साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो हेमंत सोरेन की सरकार ने भी कैसा टेढ़ी से लेकर चोटी का जोड़ लगा दिया है, इस बार कैसे भी करके हेमंत सोरेन की सरकार को एक बार फिर से 5 साल के लिए झारखंड में बनाया जा सके, क्योंकि हेमंत सोरेन जब से जेल से बाहर आए हैं वो लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें कोई दोहराई नहीं है, सिंपैथी वोट का असर जरूर पड़ सकता है। अब यह देखना होगा कि बीजेपी इन चीजों को कैसे टैकल करती है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी दोनों ही पार्टियों पक्ष और विपक्ष के द्वारा पूरी कर ली गई है। फिलहाल खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका। तो देख सकते हैं फिलहाल झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है।